नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि उसमें बहुत अच्छा सा पोटेंशियल बचा हुआ है। अगर हम अभी के मार्केट सिनारियों के हिसाब से वो स्टॉक इतना चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, उसको अगर हम अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं तो बहुत बढ़िया सा रिटर्न मिल सकता है। फ्रेंड्स, उसका पीछे का रीजन क्या है, उसको सिलेक्शन करने का रीजन क्या है, वो स्टॉक को मैं क्यों सिलेक्ट किया हूँ और मैं अपना पोर्टफोलियो में लेने का क्यों प्लान बना रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नया है, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स ये बता दूं, यहाँ पे काफी सारा हाई क्वालिटी स्टॉक का वीडियो यहाँ पे है। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक को कंसिडर नहीं किया है, एक बार ये वीडियो को जरूर वॉच आउट कर लीजिए, क्योंकि 15 बहुत बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक है जो कि अभी बहुत बढ़िया प्राइस पे है, ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है। और आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी स्टॉक है तो उसका एनालिसिस यहाँ पे आके जरूर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर फ्रेंड्स, आज जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि 1079 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये जो स्टॉक है इसका पी अभी चल रहा है 21.7 पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे 40% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में अगर बात करेंगे, 0.32% का डेट है कंपनी में। अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए यहाँ पे 415 पे स्टॉक चल रहा था, स्टॉक अभी कहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, 113 पे। और इस स्टॉक को लेने का पीछे का रीजन क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और टारगेट क्या रख सकते हैं पूरा यहाँ पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, ठीक है, वो कंपनी का नाम है यहाँ पे पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है यहाँ पे, अगर कंपनी का एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हम जाके यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कंपनी जो है मार्केट लीडर एंड इनोवेशन में, अगर आप जाके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है जो कि चीज इन इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट शेयर अगर वहाँ पे देखेंगे 35% का मार्केट शेयर रखता है। फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो इसी हिसाब से गोवर्धन नाम पे घी भी इनका प्रोडक्ट है। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे उनका अवतार ब्रांड का भी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारा प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए आप यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए। उसके साथ में आप इनका वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे देखिए इनका जो सब्सिडरी कंपनी है भाग्य लक्ष्मी डेयरी फार्म, उनका सब्सिडरी कंपनी भी है। आप यहाँ पे उनका वेबसाइट भी जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे वेबसाइट अगर यहाँ पर विजिट करेंगे तो उनका ब्रांड और बाकी सारे काफी सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे उनका वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे काफी सारा इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर इसी हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की अगर बात करेंगे, यहाँ पे 0.44% का डिविडेंड यील्ड है। स्टॉक का बुक वैल्यू देखिए, स्टॉक का इंटरेस्टिंग चीज है, अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे 124 बुक वैल्यू है इसका। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे करंट प्राइस, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 113 का प्राइस पे ट्रेडिंग हो रहा है। फ्रेंड्स, मतलब बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है ना। अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, तो ये स्टॉक का जो अभी करंट सिनारियो क्या है, अगर अभी इसका रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट में अगर हम देखेंगे कुछ एक साल का, अगर हम एक बार चार्ट देख लेंगे, रिजल्ट देखेंगे अभी 2 साल से, अभी 539 करोड़ का सेल्स किया है, ठीक है। अगर हम इसी हिसाब से देखते हैं, एक बढ़िया सा सेल्स अभी देखने को मिला है। लास्ट लास्ट जो 8 क्वार्टर है, 8-9 क्वार्टर में है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। अगर इसी हिसाब से हम देखेंगे, इसका प्रॉफिट भी देखेंगे, प्रॉफिट एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्च 2021 को उस टाइम पे जब लॉकडाउन का वहाँ पे था, सेकेंड लॉकडाउन, वहाँ पे -10 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। उसके बाद में जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसके बाद में 18 करोड़ का प्रॉफिट आया, उसके बाद में सितंबर में 23 करोड़ का प्रॉफिट आया, अभी अगर देखते हैं यहाँ पे 19 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, जो कि बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड था, तो इसीलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट जरूर हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मार्च 2020 को है वहाँ पे भी लॉकडाउन का इम्पैक्ट पड़ा था, इसलिए यहाँ पे 10 करोड़ का ओनली बिजनेस हुआ था, ठीक है। तो ये स्टॉक में अभी बिल्कुल एक शार्प रिकवरी हमें नजर आ रहा है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट 4 क्वार्टर में एक 50 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट 2 क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे अगर 23 करोड़ का प्रॉफिट आता है, ठीक है, एक साल में यहाँ पे 100 करोड़ का एक प्रॉफिट हो सकता है। अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो उसी हिसाब से स्टॉक का प्राइस भी उसी रेंज पे जाना चाहिए। स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है कौन सा रेंज पे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे रिजर्व भी देखिए बहुत बेहतरीन, यहाँ पे रिजर्व में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 743 करोड़ का रिजर्व था जो कि 2019 को, यहाँ पे 2020 को अगर देखते हैं यहाँ पे 824 करोड़ का रिजर्व है। अगर यहाँ पे मार्च 2021 को देखते हैं यहाँ पे 844 करोड़ का रिजर्व है। यहाँ पे सितंबर 2021 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1084 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व तो बहुत बढ़िया से यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है। और एक पॉजिटिव चीज क्या है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे बोरोइंग देखिए 400 करोड़ का बोरोइंग था, उसके बाद में 381 करोड़ का बोरोइंग हुआ, यहाँ पे 374 करोड़ का बोरोइंग है। तो मतलब यहाँ पे बोरोइंग यहाँ पे रिपेमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैनेजमेंट भी एक बढ़िया सा यहाँ पे लोन का रिपेमेंट करके यहाँ पे बोरोइंग कम करते जा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। अगर इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है, प्रमोटर का होल्डिंग एक 40% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, एफआई के पास में है 4.37% इसका होल्डिंग है, एक स्मॉल कैप स्टॉक में भी एफआई का होल्डिंग है। यहाँ पे डीआईए का होल्डिंग भी बेहतरीन है, यहाँ पे 5% से लेके डीआई के पास में अभी 15% का होल्डिंग आ चुका है। यहाँ पे पब्लिक के पास में अगर देखते हैं यहाँ पे 39% का पब्लिक के पास में होल्डिंग है। यहाँ पे पब्लिक में अगर जाएंगे तो काफी सारा जो कि यहाँ पे 1-1, 2-2% का होल्डिंग है। यहाँ पे मुकुल अग्रवाल जी है, वहाँ पे आकाश बंसल जी है, तो यहाँ पे काफी सारा उनका भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव फैक्टर है, जब भी तो यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टर करने आए हैं। यहाँ पे मुकुल अग्रवाल जी है, ठीक है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इसीलिए तो आए हैं। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव फैक्टर लग रहा है नजर। तो फ्रेंड्स इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा एक रिकवरी आ रहा है, ठीक है ना। स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे चार्ट पैटर्न के हिसाब से, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं आज का दिन में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है स्टॉक में। फ्रेंड्स अगर आज का दिन का अगर हम कारोबार देखेंगे ये स्टॉक में, आज का दिन में इसमें 1,72,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, 77,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 45% का डिलीवरी है, एक बेहतरीन डिलीवरी हम इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से अगर हम चार्ट पैटर्न जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न में एक बढ़िया सा एक नजर आ रहा है। पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक कितना परसेंटेज यहाँ पे टूट चुका है, एक बार वीकली चार्ट पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर वीकली चार्ट पे आते हैं स्टॉक, देखिए स्टॉक कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई चल रहा था, यहाँ पे 366 के पास में स्टॉक जब चल रहा था, वहाँ पे जब स्टॉक यहाँ पे जब गिरा है, मेनली गिरने का वजह क्या है, यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक का यहाँ पे 2019 और 2018 में करेक्शन हुआ था। तो ये स्टॉक में गिरते गिरते बहुत नीचे तक आ चुका था, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि स्टॉक में कुछ एक्चुअल इतना मेजर प्रॉब्लम हुआ था। स्टॉक का परफॉर्मेंस तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो बढ़िया सा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसी हिसाब से देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था जो कि 2017 में यहाँ पे नेट प्रॉफिट इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 2019 में यहाँ पे जो प्रॉफिट था 121 करोड़ था, उसके बाद में प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आया है। तो उसके वजह से स्टॉक थोड़ा सा जब गिरा है ना, तो उसके बाद में पूरा नीचे तक गिरता गया, क्योंकि एक छोटा सा कंपनी जब यहाँ पे पिटाई होता है ना, पूरा नीचे तक स्टॉक लुढ़क जाता है। उसके बाद में फिर कोरोना आया, उसके बाद में पूरा ऑल टाइम लो भी यहाँ पे लगा लिया जो कि 51 के पास में। लेकिन काफी सारा स्टॉक रिकवरी हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक में अभी तक रिकवरी नहीं आया है। फ्रेंड्स अगर इसी हिसाब से आप अगर ये स्टॉक को एक बार नोटिस करेंगे, यहाँ के लेके स्टॉक में 84% तक का गिरावट हो चुका था, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी देखते हैं ये स्टॉक, अभी भी अगर देखते हैं ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी भी 68% अभी डाउन में ट्रेडिंग हो रहा है। फ्रेंड्स ये स्टॉक में अगर आपको पोजीशन लेना है फ्रेंड्स, जो रिस्की इन्वेस्टर है वही ये स्टॉक को स्टॉक में पोजीशन लेने के लिए है अपना मन बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप रिस्की इन्वेस्टर नहीं है तो ये स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए। फ्रेंड्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, कभी भी किसी भी वक्त अगर गिरावट होता है ना, उस टाइम पे आपके पास में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है तो आप ये वीडियो देखिए, ये स्टॉक को कंसिडर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो हाई क्वालिटी स्टॉक लिखा हुआ है 15 स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लार्ज कैप स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आपके पास में रिस्क है तो आपको रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम डे चार्ट पैटर्न एक बार ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे एक बढ़िया सा पैटर्न डेवलप हो रहा है, ठीक है। स्टॉक में एक बढ़िया सा अभी रिकवरी आ सकता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये स्टॉक में, यहाँ पे देखिए स्टॉक में बिल्कुल एक शार्प एक दिख रहा है, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न शार्पली दिख रहा है कि बन रहा है,
ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कॉप है, ये ऐसा एक कॉप बन रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा कॉप बन गया यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे मल्टीपल हैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है, तो अगर हम इसमें अपना पोजीशन बना के चलेंगे तो मैं इसमें तो पोजीशन बनाने का बिल्कुल मूड में हूँ, अभी इसमें मैं पोजीशन बनाने वाला हूँ। आप एक बार खुद स्टडी कर लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि अच्छा सा गेन मिल सकता है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं, अगर ऑल टाइम यहाँ पे हाई तक अगर नहीं भी लेंगे, अपना टेक्निकल चार्ट पैटर्न का हिसाब से जाएंगे तो कितना परसेंटेज का गेन मिलता है एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का अगर टारगेट ले लेते हैं, यहाँ पे 32% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे बिंदा से 132% का गेन मिल सकता है, 132% का गेन मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 265 में हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, ठीक है। 265 में हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, तो इसके लिए अगर हमें 1 साल भी लग जाए या 2 साल भी लग जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना स्टडी के हिसाब से मैं पोजीशन बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये स्टॉक पसंद आता है तो ही आप पोजीशन बनाइए, लेकिन छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1% 2% तक इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। 1% इन्वेस्टमेंट कीजिए, 2% इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 100% का गेन है ना, 132% का गेन है, अगर 1 साल नहीं रहे, 2 साल भी लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 साल, 3 साल, 2 साल तो मुझे लगता है 2 साल के अंदर ये टारगेट अचीव हो ही जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा जिस हिसाब से फाइनेंशियली पैरामीटर शो हो रहा है। तो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अगर आपके पास में डीमार्ट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जीरोधा में आप डीमार्ट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं। उसके साथ में मेरे साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे दिख रहा है, तो ये व्हाट्सएप नंबर में मेरे साथ जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।